यूपी के कौशाम्बी में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक के कैश काउंट से 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए। लंच के समय कैशियर काउंटर छोड़कर अंदर चला गया, तभी गार्ड की नज़र बचाकर युवक अंदर चले गए और काउंटर से लगभग 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए। रुपए गायब होने की सूचना से बैंक में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची सैनी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी के फुटेज भी चेक किए, जिसमें दिख रहे दो संदिग्ध युवक की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। सीईओ सिराथू रामवीर सिंह ने बताया। यहाँ 4 काउंटर बने हुए हैं। नंबर 1 काउंटर वाला अपने कैश फोन करके दूसरे वाले काउंटर को बताते चला गया, उन्हें पेमेंट करा रहा। दूसरा वाला भी उसे तीसरे वाले को बता करके चला गया, उन्हें पेमेंट करा। तीसरा वाला भी चला गया, बाद में उससे 3.5 लाख कैश कम हो गया। तो अपना ये काउंट कर रहे हैं, काउंट करके जरूरी कार्रवाई। हाँ, CCTV में एक लड़का और छोटा बच्चा है, वो संदिग्ध लग रहे हैं और वो भी हम एंगल पर भी जांच कर रहे हैं।